और स्वामी जी आज का ये शो ये भी संदेश दे रहा है, ये भी पैगाम दे रहा है, योग का रुड़कना मत, धर्म से मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आप जहां कहीं भी हैं, जिस मजहब के भी हैं, योग कीजिए और खुद को सेहतमंद रखिए। मैं ठीक कह रहा हूं स्वामी जी? हाँ, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए आज क्रिसमस भी मना रहा है पूरा हिंदुस्तान से लेकर के पूरे जहान में जो भी हमारे ईसाई भाई उसे लेकर के सब भी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं। हमने भी आज इस गरीब बस्ती में आकर के और ये गिफ्ट दे लेकर के आए सब के लिए। बच्चों योग करेगा ना तो सबसे बढ़िया करेगा योग, उसको सबसे बड़ी गिफ्ट मिलेगी। ठीक है, चलो ये करो ऐसे, करो ऐसे। ये बच्चों के लिए तो ये खेल जैसा है स्वामी जी। बच्चों को लग रहा है कोई जादूगर आया है। सेहत का तोहफा लेकर ये छोटा बच्चा सबसे अच्छा कर रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है। इसको गोदी में उठा के लाओ, इसको ये अच्छा करता है। ये इसको गोदी में उठा के लाओ, इधर, हाँ इधर उठा के रहो, उठा के रहो। हम भी तो महाराज जी को छाछ लस्सी। चलो ऐसे ऐसे करो, देखो ऐसे कर, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऊपर ताली मार, ऊपर अब देखो ऐसे हाथ कर। पूरा चलो अब ये करो, ऐसे करो, उठक बैठक कर, ऐसा कर। ये भी कर रहा हूँ उठक बैठक, सर्दी भी नहीं लगेगी। सर्दी भाग गई ना, सर्दी भाग गई। स्वेटर स्वामी जी ऐसे करो, ये सबसे छोटा योगी है। ये चलो आपकी गिफ्ट, एक तो ये लड्डू है, आपसे तो संभाला नहीं जाएगा, तेरे नानी को दे देते हैं। और ये देखो ये आपके लिए, ये पकड़ो, ये आपके लिए गिफ्ट है। और ये अच्छा रहा स्वामी जी, चलो बिना टोपी वाला सेंटा क्लॉस पहुंचा है वहां पे, तो दंड बैठक लगाओ, इधर ऊपर चबूतरे पर आओ, उधर। अरे वही रहो तुम, तो वही रहो। अब सारे लोग आ गए अपने गिफ्ट लेने के लिए। तुम ये करो, सारे ऊपर आ जाओगे तो कैसे बात बनेगी। चलो करो लगाओ ऐसे, हाँ जबरदस्त। ए ऊपर आ, दोनों भाई इधर आओ, ऊपर आओ, दोनों दामाद ऊपर आओ, यहाँ करो, करो ऐसे करो, ले ऐसे, या ऐसे, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे करना है, 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। 100। सर्दी उतर गई, सर्दी उतर गई। ऐसे करो और फिर ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे छलांग लगानी है, ऐसे ऐसे करना है, ये और फिर ऐसे करके दिखाओ, देखो कौन करेगा, ऐसे करके दिखाओ। स्वामी जी आप पहली बार सबको यहाँ योग करवा रहे हो, इतना टफ आपने कर दिया सिलेबस। एक ने तो किया, हाँ एक ने किया, कर दोबारा कर, कर। हम तो कोशिश तो की उसने, आप नहीं होता मेरे, हाँ तो चलो देखो मीनाक्षी जी, जी ये बच्चे आज पहली बार योग कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजाओ। सबसे ज्यादा ताली है इनकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के लिए। तो अब देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो और अभी अच्छा स्वामी जी, इधर आज जो है ना इन बच्चों को भी दावत देने वाले हैं हम, आज इनको गिफ्ट भी देने वाले हैं और इनको बहुत सुंदर सुंदर भोजन भी कराने वाले हैं। आ जाओ नीचे, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटा क्लॉज उस गांव में पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हाँ
और बैठो इधर बैठो। अच्छा स्वामी जी, आप जहाँ हैं वहां तो पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। स्वामी जी जहां पर आप हैं वहां तो हवा बहुत साफ सुथरी है। चलो बैठ जाओ साहब, उधर ही बैठ जाओ आप, वहां कोई पॉल्यूशन नहीं है। ऐसे करो, लेकिन हम जिन शहरों में हैं और आपको जहां जहां से लोग देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर जगहों पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और ऐसे में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ होने लगती है। तो कौन कौन से प्राणायाम करने हैं जिससे लंग्स जो है वो मजबूत रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे? एक तो ये आसन कर लो, चलो एक दो आसन बैठ के, एक दो आसन उल्टे लेट के, सीधे लेट के करके भी रेस्पिरेटरी के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम, बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक तो ये आसन तो रोज बताते ही है, ऐसे आसन करें और देखो श्वास भर के ऐसे करो, ऐसे ये भस्त्रिका प्राणायाम जिनके लंग कमजोर हो उनके लिए ऐसे करना है, ऐसे चलो करो आप सब। लंबे लंबे श्वास, चलो तो ऐसे करना है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है ना, हमारे हुसैन साहब का हार्ट वीक है, आप ऐसे ही क्या करो 5 मिनट। चलो ऐसे करो, करो लंबे लंबे श्वास भरो। और जो है उसको बानो को तो लगाओ भाई रोटी बनाने में, कहाँ गई बानो? हाँ बानो बनाएगी भी रोटी। और जो है आप बटरफ्लाई करो, देखो ऐसे रोज भस्त्री का प्राणायाम लंबे श्वास भरना, देखो ऐसे लंबे श्वास भरना, ऐसे करना, ऐसे घुमाओ करो हुसैन भाई। उधर भी हमारा स्टूडियो में भी एक हुसैन भाई है। हाँ ये अनुलोम विलोम करते हैं। आपका टीवी है? टीवी नहीं है हुसैन भाई इधर। अच्छा ये तो अनुलोम विलोम करते हैं उधर वाले हुसैन भाई, ये सारे खूबसूरत बात है स्वामी जी, जहाँ पर टीवी नहीं है एडवांस योग करते वहाँ पर आप खुद पहुँच गए योग सिखाने के लिए, कोई अछूता ना रहे हमारी इस योग यात्रा से। कोई टीवी नहीं है, हाँ या कोई टीवी नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई यहाँ पर आधुनिक संसार का साधन नहीं है, लेकिन ये सब 50-50, 100-100 गाय, कितनी गाय भैंस है हमारे पास? 35 गाय। 35 गाय है और भैंस? 10 भैंस। 10 भैंस है, 35 गाय है, खूब अच्छे दूध पीते, फिर दौड़ लगाया करो सुबह सुबह, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी।